ठीक है। तो हमने देखा था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, विच ये दिखाता है कि वो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपके तरफ घूम के आना चाहता है, ठीक है। सो द पर्सन इज़ वॉन्टिंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, ठीक है। क्या वो आपसे मिलना चाहता है, तो उस हिसाब से भी देखे। देखो वो आपसे प्यार करता है तो वो यस ही है, वो आपसे प्यार करता है। क्या आप लोग बहुत जल्द मिलोगे, मिलोगे जो नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए भी ये है, जो कांटेक्ट में है उनके लिए भी। अगर क्रश का रीडिंग देख रहे हो, कोई एक्स का रीडिंग देख रहे हो, कोई अपने हस्बैंड का रीडिंग देख रहे हो, सबके लिए है। ऑल स्टार साइंस, ऑल जेंडर्स, ऑल एज ग्रुप्स, सबके लिए रीडिंग है, तो उसमें कुछ नहीं है। तो देखते हैं कि आप लोग मिलोगे बहुत जल्दी फेस टू फेस। ओके, द स्टार का शोज दैट यस, वो कुछ प्लानिंग तो कर रहे हैं, आप लोग बहुत जल्दी मिलोगे। वो आपसे मिलने के लिए अभी थोड़ा उलझन चल रहा है, कैसे होगा उनको पता नहीं है, बट उनको ज़रूर से वो आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, एंड उस कनेक्शन के चलते वो आपके ऊपर फोकस करके सोच रहे हैं कि कैसे आपसे मिला जाए। बहुत कोई हो सकता है एक मैरिज कमिटमेंट को भी हासिल करने जा रहे हो, यहाँ ये मैरिज का भी कार्ड है, एंड येस मोस्ट डेफिनेटली आप मिलोगे, ठीक है। क्या आप लोगों की मैरिज होंगी, मोटा मोटा बड़े बड़े सवाल आपको देख लेते हैं। क्या आप लोग की शादी होगी, ओके, शादी व्हील ऑफ फॉर्चून इज अ डेस्टिन कनेक्शन, तो डेफिनेटली मोस्ट डेफिनेट टच विद गॉड्स ग्रेस हरे कृष्णा, तो आपको शादी जरूर से इसके साथ में होने लिखी हुई है डेस्टिनी में। हमेशा ऐसे अफर्म कीजिए कि आई एम सो ग्रेटफुल मेरे पार्टनर के साथ में मेरी शादी डेस्टिनी में लिखी हुई है, एंड हम दोनों हमेशा ही खुश रहते हैं, आगे भी शादीशुदा जिंदगी हमारी बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाली है, मुझे इस बात का यकीन है, थैंक यू भगवान। ऐसे करके आप कुछ अफर्मेशन लिख सकते हैं। अभी जो थोड़ा सा मज़ेदार वाले क्वेश्चंस थे, देखते हैं क्या ये इंसान आपके लिए थोड़ा, जो एक क्वेश्चन आया था क्या वो 18+ थॉट्स रखते हैं, तो देख लेते हैं। जो क्रश वाली रीडिंग है, क्रश जो है उनके लिए ये क्वेश्चन जायज होगा। यस, बहुत ज़्यादा रखते हैं डियर, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा था एंड जिनका भी एक सवाल है तो उनको मैं बताना चाहूँगी, यस बहुत ज़्यादा ही उनके मन में ऐसा थॉट्स रहता है, बट विथ इमोशंस, इमोशंस के साथ में उनकी फिजिकल एनर्जीज जो आपके साथ में वो रखना चाहते हैं, जो भी मोमेंट्स वो बिताना चाहते हैं वो इमोशंस के साथ में है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, क्या वो आपको अपने सपने में देखते हैं, क्या सपने में आप उनके सपने में आते हो, क्या उनके सपने में आप आते हो। ओके, नो आ रहा है कुछ हद तक, कुछ कुछ लोगों के लिए यस आए, क्योंकि ये यहाँ पे मेरे कार्ड्स बंद हो जा रहे, तो दो क्वेश्चन है, तो कुछ लोगों के लिए फ्यू सेक्शन ऑफ द पीपल नो, फ्यू सेक्शन ऑफ द पीपल यस, हो सकता है आपके पार्टनर याद ही नहीं रखते सपने को, तो उसके लिए अलग है, पर कुछ लोगों के लिए यस है, कुछ लोगों के लिए नो है, ऐसा मिक्सड एनर्जी, कभी कभार आप आ जाते हो। क्या वो अपने फोन में आपके फोटो को सेव करके रखे हैं, क्या आपके फोन में फोटो को सेव करके रखे हैं, ओ यस उन्होंने रखा हुआ है। क्या उस फोटो को वो खोल करके देखते हैं, यस बिल्कुल देखते हैं। क्या उस फोटो से वो प्यारी प्यारी बातें करते हैं, क्या ओवरऑल बातचीत करते हैं, क्या आपके फोटो से वो बातचीत करते हैं, करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, यस कार्ड आ रहा है। किसी ने पूछा था क्या वो मेरे फोटो को किस करते हैं, तो चलो देखते हैं क्या वो फोटो को किस भी करते हैं। ओह यस, ये सारा है, बिल्कुल करते हैं। क्या वो आपसे मतलब जो भी है फीलिंग्स जो फोटो से कर रहे हैं, क्या वो सच में आपसे भी करेंगे, ठीक है, जो फोटो से वो बातचीत करते हैं प्यारी प्यारी बातें एंड ऑल, क्या वो आपसे भी बातचीत करेंगे, ये सब आपको एक्सप्रेस करेंगे। वी आर गेटिंग दी जजमेंट कार्ड, ये करना तो चाहते हैं एंड करेंगे भी, बट उसको करने के लिए ना वो थोड़ा शर्मिंदा फील करते हैं या स्ट्रेस फील करते हैं, हो सकते कुछ ब्लॉकेजेस है, थर्ड पार्टी हो सकते कुछ भी, जिस वजह से वो करेंगे जरूर एंड करना चाहते भी है, पर इन ब्लॉकेजेस के कारण थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं, थोड़ा समय ले सकते हैं बट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे करने की एनर्जी मुझे 100% दिख रही है, बट वो इंसान जो है ना करने के पहले वो थोड़ा सा एक बैरियर जैसा दिख रहा है मुझे, ठीक है।
क्या वो आपके लिए लकी है, देखते हैं क्या वो आपके लिए लकी है। हाँ बिल्कुल वो आपके लिए लकी है, क्या आप भी उनके लिए लकी हो, आप भी उनके लिए लकी हो, बट आपको कर्म भी करना होगा, सिर्फ लक के ऊपर नहीं विश्वास रखना है, ठीक है। और साथ साथ क्या आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे, या क्या वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, क्योंकि यूनियन तो होगी हमने देख लिया जी, कुछ हद तक रहेंगे मतलब लहरेंगे, कुछ कुछ बातें हो सकता है थोड़ा थोड़ा छुपाए, थोड़ा बहुत थोड़ा सा ऐसा करे, तो आप उसमें अफर्मेशन डाल सकते हो कि मेरा पार्टनर 100% ट्रांसपेरेंट एंड लॉयल है, मुझसे हर एक बात सही से बताते हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप कुछ अफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक देख लेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक सवाल माइंड में किसी का आता है तो आप लिख सकते हो, ताकि आज या फिर किसी दूसरे रीडिंग में हम उसको देखेंगे, बाकी इसको क्लेम करते रहना। और लास्ट एक देख लेंगे, क्वेश्चन नहीं है तो फिर नॉर्मली गाइडेंस देख लेंगे कि क्या वो बताना चाहते हैं। चलो देखते हैं क्या वो मिस करते हैं आपको, क्या वो सच्ची में आपको मिस करता है। मिस तो करता है, यहाँ पे मून का कार्ड भी है, इमोशनल कंफ्यूजन, ठीक है, कुछ हद तक करता तो है, एंड कभी कभी उस मिसिंग एनर्जी में थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एंग्शियस एनर्जीज भी आ रही है, और मैं ये भी देखना चाहूँगी कि क्या वो आपको इम्प्रेस करना चाहता है। इम्प्रेस तो आपको करना चाहते हैं, बैलेंस का कार्ड दिख रहा है, लेकिन फिलहाल ना वो इतना ज़्यादा लो एनर्जीज में है ना, वो इम्प्रेस करने की एनर्जी में अभी फिलहाल नहीं दिख रहे, बट वो बिल्कुल करना चाहते हैं आपको इम्प्रेस, ठीक है, इम्प्रेस करना चाहते हैं। फ्यूचर का कार्ड देखते हैं और गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल फ्यूचर आप लोग का एक दूसरे के साथ में कैसा रहेगा। फ्यूचर तो मैजिकल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शादी भी यहाँ पे फ्यूचर में दिख रही है, कुछ चीज़ें कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी पॉप अप कर रही हैं, कुछ कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है लाइफ में, पर मुझे इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव दिख रहा है, मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिख रहा है। समझदारी से चलोगे तो फिर बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बार बार शादी का मैरिज का कार्ड यहाँ पे पॉप अप हो रही है, सो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे समझदारी दिख रहा है, सब कुछ बहुत बेहतरीन रहेगा। एक क्वेश्चन आ रहा था, क्या वो ड्रेसअप करने से पहले सोचते हैं आपके बारे में, ये कैसा सवाल है, मतलब वो आपको इम्प्रेस करना चाहते कि नहीं, वही हो गया ना वहाँ पे, फिर भी देखते हैं, नहीं सोचते ठीक है, उस तरीके से नहीं सोचते, वो अपने हिसाब से ड्रेसअप करते हैं, ठीक है। चलो आज तो सारे क्वेश्चंस मैंने कर दिए, एक टैरो से गाइडेंस देखेंगे और गाइडेंस कार्ड से गाइडेंस देखेंगे, टैरो से गाइडेंस आ रहा है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, क्लियर रहो, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा माइंड को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, चीज़ें आपके फेवर में होनी लिखी हुई है। अब मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी गाइडेंस कार्ड से, मुझे वो गाना ना गान में बज रहा है, दम 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 इश्क है फिर कैसी तेरी दिल में है बन जाना, आप इसको ना सुन सकते हो इस गाने को। स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल क्वेश्चंस के लिए आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मुझे कॉल पे, मैं हमेशा बताती हूँ जनरल गाइडेंस और जनरल रीडिंग होती है, स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़रूर से है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए पर्सनल रीडिंग लीजिए, जनरल रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। चलो ये गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या क्या गाइडेंस निकल करके आता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो आया था, टर्न ऑन योर लाइट, मतलब पॉजिटिव रहना स्टार्ट करो,
एंड ब्रिंग हेवन टू अर्थ, मतलब अपने पॉजिटिविटी से वापस से बोला जा रहा है, पॉजिटिविटी से आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो। स्टेप इन टू एम्पावरमेंट, मतलब कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखोगे अपने अंदर के एंजल को ग्रो करवाओ, आप सारे चीज़ों को अचीव कर सकते हो, अपनी लाइफ में सब चीज़ों को अटेंड कर सकते हो। एंड लिव आउटसाइड द लाइन्स, मतलब एकदम खुल के जियो, उतना ज़्यादा खुद के अंदर रेस्ट्रिक्शन मत रखो, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। यही तक है आज का रीडिंग। अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्ट करना है तो ज़रूर से कनेक्ट कर लीजिएगा, कॉल पे या फिर चैट पे, जैसे आपको इजी रहे। एंड इसके अलावा अगर आप लोगों को टैरो सीखना है तो उसके लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं टैरो सिखाती हूँ। एंड एट द सेम टाइम मैं वैदिक वास्तु न्यूमरोलॉजी सब कुछ यूज़ करती हूँ फॉर द रीडिंग। तो अगर आप लोगों को किसी भी फॉर्म में मुझसे कनेक्ट करना है तो आप ज़रूर से मुझसे कनेक्ट करके अपने लाइफ को बेहतरीन बना सकते हो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।